यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में प्रेस क्लब की ओर से पत्रकार दिन मनाया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा दैनिक सकाल अखबार के छाया चित्रकार तथा पत्रकार रामदास पद्मावार के कैमरे में कैद एक से बढ़कर एक छाया चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। गुरुवार को दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर की जयंती अर्थात पत्रकार दिवस के मौके पर दिग्रस के मनुहार होटल के हॉल में आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी को स्कूली छात्रों सहित फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले लोगों ने उम्दा प्रतिसाद दिया। इस छायाचित्र प्रदर्शनी की थीम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच प्रकृति और मानवीय जीवन की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित थी। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने इस प्रदर्शनी को भेंट देकर रामदास पद्मावार के कैमरा क्लिक्स और फोटोग्राफी के उनके हुनर की सराहना की है। एकदम ओरिजिनलिटी वाटत आहे प्रत्येक फोटो मध्ये असं वाटत आहे की आपण प्रत्यक्षात पाहत आहोत। एकदम उत्कृष्ट झालेले आहे, उत्तम झालेला आहे दिग्रस शहरात आणि पुन्हा पुन्हा हो असा मला मनापासून इच्छा आहे। मालूम हो कि रामदास पद्मावार बीते कई सालों से फोटोग्राफी क्षेत्र में कार्यरत है। उनके हुनर को राज्य स्तर पर सराहा जा चुका है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार, भैयू जी महाराज सहित अनाथों की मां के रूप में मशहूर स्वर्गीय समाज सेविका सिंधुताई सपकाल आदि के हाथों उनको सम्मानित किया जा चुका है। आणि जे निसर्गाचा देना है त्याला आपल्या डोळ्याच्या माध्यमातून हृदयापर्यंत गेल्यानंतर जी शांती अनुभूती लाभते ती प्रत्येकांनाच लाभावी या उदात्त हेतूनं मी जे निसर्गातून छायाचित्र टिपलेले आहे ती प्रत्येकांना पाहायला मिळावी त्या अनुषंगानं या छायाचित्र प्रदर्शनीचं आयोजन केलेलं आहे आणि अनेक लोकांना ते पसंतीस उतरलं आहे। उम्दा फोटोग्राफर होने के बावजूद भी एक से बढ़कर एक हजारों फोटो कैमराबद्ध करने वाले रामदास पद्मावार कहते हैं कि उन्होंने अब तक सर्वश्रेष्ठ फोटो खींची नहीं है। यह बात उनके बड़प्पन के साथ ही उनकी विनम्रता को दर्शाती है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।